हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ अपने बारे में, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं चाहती हूँ वो लोग भी मुझे जान लें कि मैं कौन हूँ। तो मैं आप जैसी ही एक आम लड़की हूँ और कुछ खास नहीं है। बस अभी अभी मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अभी एक साल हो गए करते हुए। तो और मेरे चैनल का नाम है व्लॉग्स विद आकांक्षा, और मेरा जो पूरा नाम है वो आकांक्षा कुमारी है, और घर का नाम, जैसे घर में सब मुझे प्यार से छोटी छोटी कहते थे, तो मेरा घर का नाम छोटी है, और यहाँ पे ससुराल में सब मुझे आसी कहते हैं, तो आसी भी है, दोनों है। आप तो मुझे जिस नाम से बोलना चाहे बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और मैं प्रॉपर बिहार से बिलोंग करती हूँ, बिहार के एक छोटा सा शहर है, आई थिंक दरभंगा आप लोग जानते हो, उसी के पास पड़ता है एक गांव, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो बहुत ही बड़ी जगह से मैं नहीं बिलोंग करती हूँ, और मेरा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ करूँ। जब से मेरी शादी हुई थी, पहले मैं जॉब करती थी, एक्चुअली DAV पब्लिक स्कूल HFC में जॉब करती थी, और जब से मैंने वो जॉब छोड़ा, मैं शादी करके यहाँ आ गई, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कभी इसके साथ बैठ के बात कर लिया, कभी उसके, ऐसे टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँ, मैं अपने आप को उठा पाऊँ, मैं ऐसा करना चाहती थी। मुझे अचानक से, मैं देखती थी वीडियोज़ बहुत सारे देखती थी, बहुत यूट्यूबर्स के देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ, मुझसे भी हो जाएगा। तो फिर ऐसा मैं सोचती थी और देखती, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैं वीडियो देखती थी, प्रॉपर देखती थी। तो एक बार मैं गई थी छुट्टियों में, पटना गई थी, और मेरा भाई वहाँ रहता था, मैं उसने अचानक से बोल दिया कि तुम बोलते इतना अच्छा हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तो तुम क्यों नहीं शुरू करती। तो उसने चैनल मुझे स्टार्ट करके दिया था, और मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू कर, शुरू में मुझे झिझक होती थी बोलने में, तो मैंने पहले कुकिंग का वीडियो डाला, बहुत सारा डाला, और उसमें मैं खुद नहीं आती थी आगे। उसके बाद से मैंने कुछ दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट किया, तो उसके बाद से धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा, और मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और अभी तक कर रही हूँ। तो बस ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिए। और मैं बता दूँ कि मैं मैंने म्यूजिक से भी MA किया है, मैंने साइकोलॉजी से भी MA किया है, तो बस मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाईली एजुकेटेड हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, वैसा नहीं है। तो अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाती है, मैं कोई वर्ड गलत बोल देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा, अभी ही आपको कन्फर्म कर देती हूँ कि मैं उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ तो ठीक है, अगर उसमें से कुछ अगर वर्ड्स गलत निकल जाते हैं तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। हाँ, बता दीजिएगा कि हाँ, आपने यहाँ पे गलत बोला है, सही बता देना, आप लोग सपोर्ट कर देना बस। और बस यही कहना चाहती थी, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्रॉब्लम कब शुरू होते हैं? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप मेहनत करते जाओ, आपको थोड़ा सा भी सफलता नहीं मिलता है, प्रॉब्लम तब शुरू है। आदमी इरिटेट होने लगता है, मतलब कि हार जाता है आदमी, उससे लगता है कि नहीं, बस अब मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए, मेरे चैनल पर आइए, और आगे आई प्रॉमिस कि आगे आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है, मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, और तो बहुत अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे चैनल पर मोस्टली कुकिंग का वीडियो आता है, ब्यूटी का आएगा, कुकिंग का आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का आएगा। तो मैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो डेली व्लॉग्स का है, तो डेली जो मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरा डेली रूटीन देखना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखिए और इन्जॉय कीजिए, और आपको जो सही लगता है वो दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और जो गलत लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, ये आपने गलत किया है। ठीक है, तो बाय बाय।